वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होप यू डूइंग गुड गाइस। सो आज का हॉल वीडियो होने वाला है Amazon टॉप हॉल, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल हॉल है, स्पेशली कॉलेज गर्ल्स के लिए हॉल है, जो कि अंडर 500 रुपीज की है, बहुत ही अफोर्डेबल है, कॉलेज गर्ल्स के लिए परफेक्ट है। एंड जितने भी टॉप्स मैं आज आपको दिखाऊंगी वो शॉर्ट टॉप नहीं है, लाइक कुर्ती काइंड ऑफ टॉप्स दिखाऊंगी, जिसलिए मैंने थोड़ी लॉन्ग कुर्ती काइंड ऑफ टॉप्स चूज करी है फॉर कॉलेज वेयर गर्ल्स, जिनको कंफर्टेबल कपड़े पहनना है शॉर्ट टॉप में, जो कंफर्टेबल नहीं होते। मैंने हर हॉल्स वीडियो में हॉल्स के साथ आपको स्टाइल करके भी दिखाती हूँ, एंड इस वीडियो में भी मैं आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी, लाइक एक अंडर 500 रुपीज के टॉप, लाइक 300-400 के जो टॉप्स होते हैं उसे आप कैसे एक एक्सपेंसिव लुक दे सकते हैं, किस तरीके से उसे स्टाइल कर सकते हैं। मैं आज आपको दिखा रही हूँ लॉन्ग टॉप, तो हिप कवर करने वाली होती है क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल होती है ऐसी टॉप्स। बट इसका ये मतलब नहीं है कि शॉर्ट टॉप्स जो होते हैं या क्रॉप टॉप्स जो होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। स्टाइलिंग के तरीके होते हैं अलग अलग कि आप किस तरीके से उन्हें स्टाइल करते हो और किस तरीके से कंफर्टेबल बनाते हो। मेरे हिसाब से कपड़ों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आप उसे किस तरीके से स्टाइल करते हो। अगर शॉर्ट टॉप में भी आपको स्टाइलिंग आइडियाज चाहिए कॉलेज के लिए तो प्लीज कॉमेंट में जरूर से बताना, मैं 100% ये वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो बैक टू बैक मैं आपके रिक्वेस्ट पे अफोर्डेबल हॉल बना रही हूँ, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, लाइक करने से यू नो बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड अगर आपको मेरे हॉल्स वीडियो सच में पसंद आते हैं तो एक सेकंड लगेगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट में जरूर से बताना कौन सी टॉप अच्छी लगी, कौन सी लुक अच्छी लगी। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। ओके सो माय फर्स्ट आइटम इज दिस मैजेंटा कलर की बहुत ही खूबसूरत शेयर टॉप है ये। नेकलाइन इसकी कुछ इस तरीके से है और बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए हैं इस पूरे टॉप पे, एंड यहाँ पे आपको प्लीट्स मिलती है जो कि इतनी लेंथ है इसकी। सो टॉप की इतनी टोटल लेंथ है, एंड स्लीव्स इसकी बलून टाइप स्लीव्स है, यहाँ पे एक इलास्टिक मिल रही है, एंड सेंटर पे ये इलास्टिक मिल रही है, और बैक पे यहाँ पे आपको ये की होल नेक डिटेलिंग और दो बटन्स मिल रहे हैं यहाँ पे जो ओपन होते हैं। इस पे मेरा साइज मीडियम है, शो शेयर टॉप है ये, एंड कलर बहुत ही खूबसूरत है, लाइक इस तरीके की कलर जो होती है वो सारी कॉम्प्लेक्शन में बहुत अच्छी लगती है। इस पे आपको स्पेगेटी 100% वेयर करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही शेयर है ब्रा और ब्रालेट के साथ, ये बहुत कंफर्टेबल और अच्छी भी नहीं लगेगी। ऑल दो अगर आप बीच वगैरह में जाते हैं तो इसके साथ ब्रालेट वेयर कर सकते हैं, हॉट पैंट के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी, आपके हिप को बहुत अच्छे से कवर करेगी ये। बट अगर आप इसे रेगुलर यूज में यूज करते हैं तो जीन्स के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी, बट मैं इसे स्टाइल करूंगी पैंट के साथ। मटेरियल इसका पॉलिस्टर है, मटेरियल मुझे बहुत पसंद आया, एंड डिजाइन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है, पहनने के बाद बहुत ऑसम स्टाइलिश लग रही है। अंडर 500 रुपीज की है, स्टाइलिश भी है, सो मैं इसे 100% रिकमेंड करूंगी। Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. बहुत ही खूबसूरत टॉप है, कुछ इस तरीके के पूरी फ्लावर प्रिंट्स वाली टॉप है, ये पूरी समर्स वाली ही वाइब दे रही है ये टॉप, एंड स्क्वायर नेक है इसकी कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपको पूरी इलास्टिक मिल रही है, लाइक आपके बस्ट एरिया में बहुत अच्छे से फिटिंग हो जाएगी ये। और स्लीव्स इसकी कुछ ऐसी बेल स्लीव्स है जो कि बहुत ही क्यूट लग रही है, एंड प्रिंट्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही कलरफुल कुर्ती है, एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये, मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड बैक भी सेम है, सेम इलास्टिक आपको यहाँ पे मिल रही है, एंड बैक पे आती है ये डोरी, इनकेस अगर आपको थोड़ी सी लूज हो रही है साइड से तो डोरी से वो अच्छे से टाइट हो जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फ्रिल बनी हुई है, एंड पे मेरा साइज मीडियम है। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने इसको कहीं पे कुर्ती बोल दिया, क्योंकि कुर्ती कुर्ती हॉल्स बनाते ना एक जुबान पे कुर्ती कुर्ती हो गई है, सो मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैंने तो कुर्ती कहा था। अगेन ये शेयर टॉप है, इस पे आपको स्पेगेटी वेयर करनी पड़ेगी, लाइक बस्ट एरिया तक बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बस उसके बाद थोड़ा सा इतना टमी एरिया आपकी नजर आती है। अगेन अगर आप बीच वगैरह में जाते हो तो ये ब्रा के साथ बहुत अच्छी लगेगी, उस पर आपको स्पेगेटी नहीं वेयर करने की जरूरत है, उस पर आप हॉट पैंट डाल दोगे तो ये बहुत ज्यादा क्लासी लगेगी। बट इस पे
फिगर जी कंपलसरी नहीं है, अगर आप इतनी सी डमी थोड़ी शेयर शो करने में कंफर्टेबल हो तो आप बिना कैमिसोल के भी वेयर कर सकते हैं। मटेरियल इसका शिफॉन है, ट्रस्ट मी बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है एंड कुछ इतनी सी एक मुट्ठी पे ये टॉप आ जा रही है। मैं इसे 100% रिकमेंड करूंगी, बहुत ऑसम लग रही है। अगर आप कॉलेज गर्ल हो या फिर आपको ऑफिस के लिए भी चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, कॉलेज गर्ल्स है तो बहुत अच्छी लगने वाली है ये। एंड इस पे आपको और भी बहुत सारे कलर्स एंड डिजाइन ऑप्शंस मिलेंगे तो आप एक बार चेक कर ले। एंड सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार अच्छे से चेक करें। वाइब्रेंट कलर की टॉप है एंड ग्रीन कलर की ये शॉर्ट कुर्ती काइंड ऑफ टॉप है। नेकलाइन कुछ इस तरीके से है इसकी एंड मटेरियल आप देख सकते हैं कॉटन मटेरियल है जो कि बहुत ही अच्छी मटेरियल है। एंड यहाँ पे बने हुए हैं ये फेक बटन्स जो कि ओपन नहीं होते हैं। एंड स्लीव्स इसकी कुछ इस तरीके से जो कि नॉर्मल थ्री क्वार्टर स्लीव्स नहीं है, ऐसे बेल्ट स्लीव दी हुई है तो ये बहुत अच्छी लग रही है। एंड पूरी ही शॉर्ट कुर्ती है ये, यहाँ से आपको प्लीट्स मिल जाती है। मटेरियल कॉटन है, बहुत सॉफ्ट है। इस पे मेरा साइज मीडियम है एंड बहुत ज़्यादा सी थ्रू ये नहीं है। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्पेगेटी वेयर कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल है इतने लाइट सी थ्रू में तो आप इसे ऐसे भी वेयर कर सकते हैं। ये टॉप जीन्स के साथ बहुत ऑसम लगेगी, ब्लू कलर के जीन्स के साथ। इस पे आपको ज़्यादा कुछ स्टाइलिंग करना नहीं है, बस टॉप एंड जीन्स, और आप इस पे बहुत स्मार्ट लगोगे। सो मैं इसे भी 100% रिकमेंड करूंगी। प्राइस के अकॉर्डिंग कपड़ा भी बहुत अच्छा है एंड कलर बहुत अच्छा है, लाइक ऐसे जो कलर्स अभी बहुत इन है इन दिनों। सो रेड व्हाइट पिंक तो हमने बहुत पहन लिया, अब टाइम है कुछ गर्मियों पे इस तरीके के बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स ट्राई करने को जो कि समर्स के टाइम पे परफेक्ट लगेगी, एंड मैं इसे 100% रिकमेंड करूंगी। The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation. नेक्स्ट टॉप जो है वो येलो कलर की शर्ट टॉप है एंड कॉलर नेकलाइन के साथ है। यहाँ पे छोटी छोटी सी हार्ट्स बनी हुई है जो बहुत ही क्यूट लग रही है। एंड स्लीव्स इसकी नॉर्मल स्लीव्स है, फुल स्लीव्स कुछ इस तरीके से आती है। एंड टॉप पूरी शर्ट पैटर्न वाली टॉप है कुछ इस तरीके से। इस पे मेरा साइज मीडियम है एंड बैक कुछ इस तरीके से सेम प्रिंट बनी हुई है बैक में भी। एंड ये इसकी फ्रंट है एंड आप देख सकते हैं बैक थोड़ी सी हाई है पीछे से, तो ये बेस्ट पार्ट है, हिप बहुत अच्छे से कवर हो जा रही है, लाइक जितनी कवर करनी है उतनी हो जा रही है। आप ऐसे शर्ट को इन करके जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं जो बहुत क्लासी लगती है, बट मैं इसे स्टाइल करूंगी अपने स्टाइल में क्योंकि मुझे जीन्स में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है। बट आप 100% जीन्स में इसे स्टाइल कर सकते हैं एंड इस पे फ्रंट पे सारे बटन्स ओपन होते हैं। इस शर्ट की बेस्ट पार्ट होती है कि आप पूरी तरीके से जीन्स में इन करके पहन सकते हैं, जो कि एक फॉर्मल लुक भी आपको दे सकती है, ऑफिस में भी आप वेयर कर सकते हैं। बट अगर आप कैजुअल पहनना चाहते हैं तो ये हाफ टक इन करके भी आप पहन सकते हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड वो बहुत स्टाइलिश भी लगती है। मटेरियल इसका रेयन एंड कॉटन मिक्स काइंड ऑफ मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। मटेरियल पसंद आई, आप आराम से इसे बहुत कंफर्टेबली वेयर कर सकते हैं। ये शर्ट सी थ्रू है तो मैं इसे सजेस्ट करूंगी कि स्पेगेटी आप वेयर करें, उस पर ये ज्यादा अच्छे से कलर भी खिलकर आएगी, ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं लगेगी, येलो कलर अच्छे से नजर आएगी। आप व्हाइट भी पहन सकते हैं, येलो भी पहन सकते हैं एंड मैं इसे भी रिकमेंड करूंगी क्योंकि गर्मियों में ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, उसकी प्रिंट भी बहुत अच्छी है। सो
लास्ट आइटम वो भी एक कुर्ती टॉप है एंड अगेन सॉरी मैं येलो कलर्स आपको ज़्यादा दिखाती हूँ अपने हॉल्स पे, बट आपको इस पर बहुत कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, सो आप प्लीज़ चेक कर लेना। एंड जब मुझे रिसीव होती है ना तब मुझे ध्यान में आता है यार मैंने बहुत ज़्यादा येलो कलर मंगा लिए, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ येलो कलर देखने के बाद। सो ये कुर्ती टॉप है, तो रॉन नेक के साथ है ये, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्डन बटन्स बनी हुई है जो कि सारे बटन्स ओपन होते हैं। एंड स्लीव्स अगेन इसकी बेल स्लीव्स है, नॉर्मल स्लीव्स नहीं है, यहाँ पे ये लेस बनी हुई है। तो कुछ इस तरीके से इसका रेयॉन मटेरियल है, मटेरियल मैं बहुत ही जूम करके दिखा रही हूँ, एंड कुछ इस तरीके से प्रिंट है जो बहुत ही फाइन लग रही है। येलो एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लग रहा है, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस पे लाइक ब्लैक जीन्स और ब्लैक लेगिंग्स डालो और यू आर रेडी टू गो। इस पे कुछ भी आपको तामझाम स्टाइल करने की जरूरत नहीं है, ये कुर्ती ऑलरेडी बहुत ही स्टाइलिस्ट है। सो कुछ इस तरीके से इसकी फुल लुक है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये पूरी प्लीट्स बनी हुई है, एंड ये पूरी फ्रिल कुर्ती टॉप है। तो इस पर आपको स्पेगेटी वेयर करने की टेंशन नहीं है, सी थ्रू नहीं है, एंड बहुत ही इजी ब्रीजी टॉप है ये, लाइक गर्मियों के टाइम के लिए परफेक्ट है, बहुत ही हल्का हल्का फील करोगे एंड बहुत एयरी टॉप है ये, इसमें बहुत हवा अच्छे से लगने वाली है। एंड इस पर मेरा साइज मीडियम है, और जितने भी टॉप्स मैंने दिखाए सब पे मेरा साइज मीडियम है, इनकेस अगर मैं बताना भूल गई हूँ तो। Flipping pages since I could remember that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5, and I've been working after work since last September, working after work, yeah. I stay up late on the weekdays, late on the weekdays. I never tell when we say, yeah. I never want to look back and wish I could have been. आई होप आज का अमेजोन टॉप हॉल आपको पसंद आया हो एंड इस तरीके के हॉल्स वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताएं, एंड प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर मेरे हॉल्स वीडियो आपको पसंद है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय गाइज़।